हेलो फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियो में हमने जाना वाटर कलर के दो तरीकों के बारे में। एक तो प्लेन वॉश, दूसरा ग्रेडेड वॉश। प्लेन वॉश को फ्लैट वॉश भी कहते हैं, फ्लैट वॉश और ग्रेडेड वॉश। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वाटर कलर की तीसरी टेक्निक कौन सी होती है। वाटर कलर की तीसरी टेक्निक का नाम है वेट इन वेट, मतलब कि आप देख रहे हो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गीले कलर में दूसरा गीला कलर मिक्स होना। तो एक तो यही समझ लेना चाहिए कि इस टेक्निक का, जैसे नाम है वेट इन वेट, मतलब कि गीले कलर में ही गीला कलर लगाना। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें वाटर की क्वांटिटी के बारे में पता रहे कि हमें कितना वाटर यूज़ करना है, और दूसरा कि पानी के सूखने पर, हमें पानी के सूखने का ध्यान रखना है कि पानी सूखने से पहले हमें दूसरा कलर ऐड कर देना है। तो जानते हैं इस तरीके को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं वेट इन वेट टेक्निक। तो ये एक टेक्निक है, पिछले दो जो टाइप्स थे कलर करने के उन्हें हम वॉश कहते थे, लेकिन इसको हम टेक्निक बोलते हैं क्योंकि ये एक दो कलरों को मिक्स करने की टेक्निक है। तो वेट इन वेट टेक्निक कैसी होती है देखो। सबसे पहले हमने एक कलर लगाया, ब्लू कलर। तो ये कलर अभी गीला है, इसी में हम एक दूसरा कलर लगाएंगे जो भी गीला ही होगा। उसके लिए हम पहले मिक्स करके रख देंगे, यहाँ पर हम इसको मिक्स कर देंगे दोनों कलर को। इस दोनों कलर को मिक्स करने से जो इफ़ेक्ट पैदा होता है, ये इसी को ही हम वेट इन वेट टेक्निक कहते हैं। इसको हम खुद हाथ से नहीं बना सकते, ये दो कलर, दो गीले कलर को मिलाने से ही बनता है। इसमें हमें बहुत वाटर पे कंट्रोल करके और ब्रश पे कंट्रोल करके हमें काम करना पड़ता है। हम इसे दो कलर से ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, इसकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है एक कलर को दूसरे कलर में मिलने का, इसी को वेट इन वेट टेक्निक कहते हैं। एक बार और प्रैक्टिस करके देखते हैं हम वेट इन वेट टेक्निक। तो इसमें पानी पर कंट्रोल और ब्रश पर बहुत ज़रूरी होता है कंट्रोल करना, वही हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी आप देखिए कि किस तरीके से दो कलर को मिक्स करके क्या इफ़ेक्ट आता है। जैसे हमने एक ये एक कलर डाला, ठीक है। अब अभी इस दो कलर को मिक्स कर दिया, तो ये जो इफेक्ट आ रहा है
ये वेट इन वेक टेक्निक से ही आता है, इसे हम खुद इफेक्ट नहीं पैदा कर सकते, ना हम इसे खुद बना सकते। ये देखिए, ये ब्लरी सा जो इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट, ये दो कलर के मिलने से जो बनता है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वंस अगेन प्रैक्टिस, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ब्लू कलर, ठीक है। अब इसी में ही हम एक दूसरा कलर लगाएंगे, येलो। तो ये जो मिक्स हो रहा है आपस में, इसे मिक्स होने की जो टेक्निक है, इसी को वेट इन वेट कहते हैं। ये खुद ही मिक्स होते हैं और एक नया इफेक्ट छोड़ते हैं। इसे इस इफेक्ट को क्रिएट नहीं किया जा सकता अपने आप, ये वाटर में कलर मिलने से खुद ही इफेक्ट बनता है। तो इसी टेक्निक को वेट इन वेट टेक्निक कहते हैं। हमें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब भी जाके हम अपने अनुसार जहाँ भी हमें जैसा इफेक्ट चाहिए होता है, हम उससे फिर ऐसा ही इफेक्ट हमें तभी मिलेगा जब हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं नीचे और दिखाती हूँ करके आपको। ये हमने ग्रीन कलर लिया, उसके बाद ये जो इसमें दोनों कलरों को किस जहां से मिक्स हो रहा है वहां पर जो इफेक्ट आया है, ये देखिए।